देखो यहाँ पर पूरी तरीके से भाभी ने मिला दिए इसको, और अभी जब चटनी में थोड़ा आ जाएगा, थोड़ा सा आयल डालो, थोड़ी और डालो, टू कॉपी। रहे थे भाई, आपको पूरा बताऊंगा, गाना भी गाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूँ। तो गाइस हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं भाभी के साथ में, हाँ ये वाला ना, अच्छा अच्छा, तो चलो फिर देखते हैं भाभी क्या लेने जा रहे हैं। ये देखो ये मस्जिद है गाइस, ये वाली, हाँ अभी तो, हाँ ये देखो गाइस ये वाली मस्जिद है, यहाँ का मदरसा, मस्जिद मदरसा, और यहाँ पर हमारी शादी भी, मैं आप सबको पूरा बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्या लेते हैं, देखते हैं हम लोग सब लोग। तो देखो गाइस सामने पहाड़ है ये, अभी हम लोग जाएंगे पहाड़ पे घूमने के लिए, मैं नहीं जाती पहाड़ पे। और यहाँ का ये टावर है छोटा मोटा, मोटा नहीं है। तो गाइस भाभी ने ले लिए है बेसन, और अभी भजिया बनाएंगे, तो आप सबसे भजिए की रेसिपी, रेसिपी बन गई रेसिपी, तो भजिए की रेसिपी, हाँ हाँ अभी तो भजिए का तो बताएगा ना, अभी सिर्फ भजिया बनेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भजिया नहीं पकोड़े, ओहो पकोड़े, हाँ उसमें आलू कांदे, अब जो भी मैरिनेट करना चाहते हो उसमें कर दो, बराबर, और उसको भजिया में पकोड़े का शेप दे दो। तो ठीक है, आप सबसे सब कुछ शेयर करेंगे, और 9 बजे हम लोग यहाँ से फुर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आज पानी का नंबर है, 12 बजे पानी आता है, अगर नहीं भरेंगे तो आज घर पे पानी भी नहीं है, ठीक है। ये यहाँ का बोर्ड है, और ये बोर्ड मेरे हाइट के ऊपर चले जा रहा है, और यहाँ यहाँ के पब्लिक है, इनका नाम है, नाम नहीं मालूम, अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी भाभी है और बच्चे लोग हैं, ठीक है। ये है, यही गली से मेरी शादी भी थी गाइस, मैं आप सबको पूरा बताऊंगा, यही गली से मैं गया था, है ना आंटी, तो आप सबको पूरा सारे भजिया का नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया है, कलौंजी डाल दिया थोड़ा फ्लेवर के लिए, ताकि दांत पे आए ना कलौंजी, तो उसका फ्लेवर अच्छा लगता है, बराबर। कच्ची मिर्ची, धनिया पत्ती, मैंने सब इसमें मिल करके अब उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, अब मैंने ऑन कर दिया है, गैस ऑन कर दिया है, बराबर। अब इसमें तेल डालेंगे, गरम हो जाएगा कढ़ाई, तो उसमें मैं तेल डालूंगी, मीठा तेल, सनफ्लावर, सनफ्लावर वाला, यस मैं सनफ्लावर ऑयल यूज करती हूँ, बराबर। और अगर चिकन वगैरह के लिए तो मैं राई का तेल यूज करती हूँ, क्योंकि राई का तेल से अच्छा और स्वाद आता है, कच्ची घनी तेल आती है सरसों की, अच्छा। वो थोड़ा अच्छा लगता है। देखो गाइस आप सब भी ट्राई करना घर के अंदर, नहीं एंजॉय करिए, ये सूखा रहेगा ऐसी, अभी गीला है अपने, ये अभी अच्छे से मैं वो करूंगी ना, हाँ। तो ये पानी छोड़ेगी कांदे, अच्छा, तो उसमें पानी देके मैं नहीं करूंगी, थोड़ा अभी हल्का हल्का मैं हाथ से, अच्छा। मैं थोड़ा मस्त कर रही हूँ, अच्छा, ताकि अच्छा, वो पानी छोड़े, अच्छा अच्छा, पानी देने से वो थोड़ा खराब हो जाएगा, कांदे का पानी निकलेगा ना वो बेटर रहेगा। तो गाइस आज मेरे भाभी ने भजिया बना लिए, आज हम खाएंगे, अब हम लोग थोड़ा देरी के बाद खाएंगे, अभी बन रहा है, बहुत अच्छा लगेंगे, बहुत खुश है, वहाँ पर चालू है काम। ये देखो मेरी शिफा जी, शिफा है, ये देखो मोबाइल में लगी है, अब बहुत हम खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है, बैठे आराम से ठंडा ठंडा। नजमा खुश हो गया ना तो बस हो गया, क्योंकि आप लोग बोलते ना नजमा को आप लोग खुश रखना, मतलब मैं को बोलते ना आप लोग कमेंट में कि नजमा को खुश रखो, नजमा को खुश रखो, तो लो नजमा से बहुत सब परिवार को देख के बहुत खुश हो गए, हाँ हमको बहुत अच्छा लगा। और तुम अम्मी के बाद, अम्मी के साथ कितने टाइम के बाद मिल रहे हो बताओ? मैं कम से कम 8 साल के बाद मिल रही हूं। हाँ 8 साल हो गया, 8 साल हो गया, परो कितना साल हुआ तुम बताएंगे, बताओ कितना साल हुआ है मिलते हुए, सही बोल रही है, अच्छा। मेरा लड़की तो 7 साल की हो गई, 5 साल के हो गए, ठीक है, 8 साल के बाद आई, इसी बहाने हम लोग खाला से भी मिल लिए, हाँ नहीं थे अम्मी, हाँ हाँ हाँ, खाली भाभी थे, अच्छा, अब भाई नहीं था, नहीं थे जो हम लोग इन लोग दूसरे जगह गए। देखो यहाँ पर पूरी तरीके से भाभी ने मिला दिए इसको, और अभी जब करके छोड़ दिए, हाँ फिर अभी इसमें डालेंगे तो मैं आप सबको बताऊंगा। मैं नमक टेस्ट कर रही हूँ, मेरी मम्मी नमक टेस्ट कर रही है, नमक थोड़ा कम है, चलेगा मम्मी, चटनी चटनी पे थोड़ा आ जाएगा, थोड़ा सा आयल डालो, थोड़ी और डालो। तो गाइस यहाँ पर माँ बेटे की बातें चालू है कि नमक थोड़ा कम है ज्यादा है, मम्मी ने बोला कि थोड़ा और नमक होना चाहिए, गाइस अच्छे से मैं इसको अच्छे से मेल्ट कर रही हूँ, ताकि नमक थोड़ा अच्छे से मेल्ट हो जाए, बराबर। और नमक तो अनु
अनुसार होता है, नमक बहुत जरूरी है और चूल्हे के पास औरतों को भी जरूरी है पकाना। तो गाइस मैं अब जा रही हूँ डालने के लिए कढ़ाई में, ये छोटे छोटे लेने हैं ट्यूब, थोड़ा फास्ट पे नहीं, फास्ट पे नहीं, थोड़ा पहला मैं डाल दूँ ट्यूब, फिर मैं इसके बाद ऑन करूँगी, फास्ट करूँगी टेम्परेचर, थोड़ा फास्ट करूँगी गैस का। देखो गाइस आप सब, ये मेरे भाभी का तरीका कितना मस्त लग रहा है, आप सब कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है घर गाइस, ये तो घर की रेसिपी सबको पता है बराबर, घर की सो इसमें कुछ इशू नहीं है, भजिया बना के खाइए और खिलाइए, घर में जितने फैमिलीज हैं उनको इंजॉयमेंट उठाइए खिलाते। और यहाँ पर बैठी है नजमा, और क्या कर रही फरो तू? हम लोग गाइस धनिया तोड़ रहे पत्ते। हाँ, और ये शिफा है, तो हम लोग अभी काम चालू है गाइस। और यहाँ पर देखो मेरे दोनों बच्चे लोग अमरीन और समीर का भी चालू है यहाँ पर काम करने का। क्या हो रहा है मेरा बेटा अमरीन? अमो क्या हो रहा है? बोल धनिया तोड़ रहे। धनिया तोड़। हाँ, और गोला क्या करता है मेरा बेटा? गाइस मेरे भी धनिया तोड़ रहा हूँ। और वहाँ पर बैठे हैं अम्मी, हम लोग यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, चलो देखते हैं भाभी का काम चालू है यहाँ पर। अरे क्या फटाफट हो गया, मास्क पे टेम्परेचर पे था ना। हाँ तो अब डन हो गया, एक कुछ लाल हो गई, कुछ कच्ची रह गई, बट मैं सीलो टेम्परेचर पे अच्छे से पक जाएगी। हाँ। अच्छे से भजिया, क्योंकि इसके अंदर बटाटे भी मिली है ना, तो अच्छे से मुझे इसको डीप फ्राई करना है बराबर। और भाभी आप दिख रहे हैं वहाँ पर, देखो बिंदास। गैस भजिए खा लीजिएगा और घर पे बनाइएगा तो बेटर होएगा, क्योंकि हम तो आपको सिर्फ पिक दिखा रहे हैं बना के ब्लॉग पे। तो गाइस प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है, और सब्सक्राइब करके जाना। एक लाख सब्सक्राइबर कर देना, ये देखो इसका तो अलग ही चालू है। सब्सक्राइबर कर देना, नहीं तो हम लोग कदम बुरा अच्छा नहीं होंगे, हम लोग वो तो हम मेहनत करेंगे तभी तो हमारा सरप्राइज कीजिएगा। हमारा हमारा अगर नंबर पास हो जाएगा तो आप हमारा ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब गाइस, चलो फिर चल रहा है तो चलो फिर डायरेक्ट एंड में पूरा बन जाएगा ना, एक साथ में दिखाते हैं क्योंकि मेरा हाथ दर्द करने लगा। भाभी क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर भाभी ने बटाटे का भी बनाने जा रहे हैं, है ना भाभी? और ये देखो यहाँ पर ये बन गया है कांदे का इतना सारा, और यहाँ पर चालू है काम, वहाँ पर खड़ी है शिफा अभी से, बाकी अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अभी प्रोसेस चालू है। देखो तो फिर ये वाला बताएंगे तो आप सबको मैं भी बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पर देखो बटाटे का भजिया भी तल दिया भाभी ने आधा, और आधा बाकी है, यहाँ पर प्रोसेस चालू है। और देखते हैं यहाँ पर नजमा क्या कर रही है, क्या कर रही है परो? चटनी बना रहे क्या? अच्छा चटनी के साथ खाएंगे क्या? तो गाइस भजिए के साथ चटनी भी है, आप सबको सब कुछ देखने मिलेगा। देखो नजमा वहाँ खड़ी है, इधर देख पा रहा हूँ गाइस को देख, अरे बाप रे बाप, हाँ देख लो वहाँ पर उड़ जाएगा। देखो गाइस यहाँ पर या। तो आप सब भी अपने घर पे ट्राई करना ऐसी भजिया बनाने का जैसे मेरे भाभी के स्टाइल में। हाथ जलेगा नहीं क्या भाभी? जलेगा नहीं जलेगी, क्योंकि बच्चे लोग भी है ना इसके लिए खाने के लिए, नहीं चटनी नहीं है। और यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे लोग कैसा खेल रहे बाहर, ये देखो ये हमारे एरिया के बच्चे हैं, यहाँ पर मेरा गोला यहाँ पर है, शिफा है, अमरीन है, देखो यहाँ पर ये बैठी है, ठीक है। और यहाँ पर रील देख रहे हैं, मेरा बन गया है, ये देखो हल्का सा नमक डाल देना, ठीक है। अभी दिखा इसको, ये देखो, अरे हाँ ये क्या चटनी दिख रहा है भाभी, लग रहा है मेहंदी हो गया है ना।
दाल में लगाने वाला। जैसा कि आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ कि भजिया पूरा बन गया है, तो आप सबसे हम लोग शेयर करेंगे कैसे हम लोग खाने वाले। देखो यहाँ पर ये देखो ये भाभी बना है। जरूर बताओ गाइस कैसा भजिया मेरी भाभी बनाए, तो लाइक सब्सक्राइब। मैं जा रही हूँ सब करने के लिए। देखो कैसा लग रहा, मस्त दिख रहा एकदम। और ये चटनी है यहाँ पर है। भाभी का स्टाइल देखो कैसा, चारू पट्टी रॉन्ग बना दी। अच्छा दिख रहा। तो चलो गाइस आप सब भी आ जाओ खाने के लिए भजिया, बराबर आ रहा हूँ मैं। तो भाभी कुछ बोलेंगे अपने गाइस लोग को, हमारे नाजमा को ब्लॉक में आप अमरीन समीर, हाँ अमरीन समीर, अमरीन समीर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कीजिए। और आप सबको नाला सुपारा का टूर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना गाइस, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं आप सबको थोड़ी देर के। देखो गाइस यहाँ पर सबसे पहले मिला है अम्मी को। हाँ हाँ कैसा पढ़ो मेरे बच्चे लोग, भजिया खा के बताना कैसा लग रहा है। हाँ शिफा क्या बोल रही है, शिफा बड़ा मस्त बनाई गाइस। हाँ ऐसे हम लोग वीडियो देखते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। तुम भी घर पे बनाएंगे ना ऐसे भाभी की तरह? भी बनाएंगे, आप लोगों को बताएंगे। टू कॉपी पानी नहीं भजिया, भजिया के टाइम पानी नहीं, पानी पी बेटा ऐसा करो ना, ठीक है। चलो फिर तो गाइस हम लोग का भजिया वजिया खा के हो गया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोटमाले पर, तो आप सबको कोटमाले का टूर कराते हैं और ऊपर थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि बाहर से है ना तो आग जल रही है, ठीक है। तो चलते हैं ऊपर, भाभी एक नंबर बना, बहुत मजा आया भाभी। ये है कोटमाला, अल्लाह मेरा पैर, अरे बाप रे बाप, तो आपको बताता हूँ। देखो ये कोटमाला है यहाँ पर ऊपर का, यहाँ मेरा गोला आ गया। और यहाँ पर देखो अंदर, अरे क्या बनाए हैं यार, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पंखा भी लगा हुआ है और यहाँ पर लैपटॉप चालू है। बोलो दूर रहे बेटा। देखो यहाँ पर मेरे अरमान भाई का लैपटॉप चालू है और कैसा बैठे हैं आराम से। ये देखो ये है अरमान भाई, इनका नाम है अरमान, ठीक है। करो करो, ओ हो क्या बात है। तो क्या चालू अरमान, क्या कर रहे हैं लैपटॉप पे? अच्छा ओहो, ठीक है करके। तो डिस्टर्ब तो नहीं करना, हम लोग चले। हाँ तो गाइस देखो अरमान का लैपटॉप है, कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम भी चालू है। हाँ तो ऊपर का कैसा लग रहा है कोटमाला, वो हो गदेला भी है एक नंबर। तो लोग को नींद आ रही है, हम लोग सो जाएंगे अभी, तो फिर आप सबको मिलेंगे थोड़ी देर के बाद में। टाइम हो रहा है 5:30 बज रहा है, थोड़ा उठेंगे फ्रेश हो जाएंगे।